अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें। ये बिल्कुल फ्री है और इससे आप मेरी नई आने वाली वीडियो को नहीं मिस करेंगे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है सैटरडे और मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो हम लोगों ने सोचा आज थोड़ा सा अपना पेंडिंग वर्क करेंगे और जो ज़रूरी घर के काम है वो भी करेंगे। तो बस थोड़ा सा बाहर निकले हैं, शॉपिंग करेंगे। काफ़ी सारी क्रिसमस और न्यू ईयर सेल अभी चल रही है। कुछ लिविंग एरिया के लिए एक फर्नीचर लेना है, तो बस वही लेने हम लोग पहुँचे हैं आइकिया पर। और आइकिया का ये पूरा टूर आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। और हमने फाइनली ये एक चेस्ट ड्रॉअर परचेस किया है। तो जब भी हम आइकिया से फर्नीचर लेते हैं उसे खुद ही असेंबल करना होता है, तो इस तरह से ये पैकेजिंग में आया है। नंबर 1, नंबर 2 इस तरह से सारे बॉक्सेस पे लिखा हुआ था। तो बस अब हम इसे नंबर वाइज एक एक ओपन करेंगे। और हबी यहाँ पर लग गए हैं काम पर और उन्होंने स्टार्ट कर दिया है इसे असेंबल करना, और दोनों मिलके इसे असेंबल करेंगे। तो मैं तो फर्स्ट टाइम इस तरह का कुछ फर्नीचर असेंबल करूँगी एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। और यहाँ पर ये बुकलेट्स दी गई है कि इसको कैसे असेंबल करना है, और सारे पार्ट्स एक अलग अलग सेक्शन में इन्होंने प्रोवाइड किए हैं। तो सारा सामान हम पहले अलग रख रहे हैं और फिर बुक में देख देख के इसे असेंबल करेंगे। और रियली मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इसको करने में, और ये एकदम ब्लॉक के जैसा लग रहा है कि हम रियल फर्नीचर ब्लॉक्स असेंबल कर रहे हैं। तो ये सारा जो बॉक्स है वो ड्रॉअर सेक्शन के लिए है। इसमें हैंडल्स और सारे जो ट्रॉली बनाने के लिए जो भी सामान होता है वो सब सामान है यहाँ पर। तो ये फ्रंट बोर्ड है ड्रॉअर का। काफ़ी डिफरेंट तरह के स्क्रूज इसमें दिए गए हैं असेंबलिंग के लिए। तो बस अब मिलके बना रहे हैं हम यहाँ पर इस चेस्ट ड्रॉअर को। जितना मज़ा आ रहा था जब इसको ओपन किया था उतना अब ये इजी नहीं लग रहा है और काफ़ी टाइम टेकिंग है ये काम। और अभी 5 to 6 आवर्स हो गए हैं और हस्बैंड पूरा असेंबल कर रहे हैं इसको, और ये स्ट्रक्चर बनकर तैयार हुआ है 5 to 6 आवर्स में। और 7 to 8 घंटे बाद ये हमारा चेस्ट ड्रॉअर बनकर यहाँ पर तैयार हुआ है। बनने के बाद ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, और रात के 8 बज गए हैं, डिनर की कोई प्रिपरेशन नहीं हुई है। तो बस अब चलते हैं किचन में, तैयारी करते हैं डिनर की। तो आज बहुत ही सिंपल सा डिनर बनेगा। आज मैं बनाने वाली हूँ कढ़ी चावल, तो पंजाबी कढ़ी बनाऊँगी मैं आज। तो हमारे यहाँ पर कढ़ी हमेशा कुकर में बनाई जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि कुकर में कढ़ी बनाने से वो जल्दी बन जाती है और बहुत अच्छे से पकती है। तो बस सेम ही रेसिपी है, आप सबको पता ही होगा। दही बेसन को अच्छे से कुट लेंगे जिससे कि बेसन में कोई गुठलियाँ ना रहे, और फिर मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी और फिर डाल दूँगी सारे मसाले, जिससे मैंने हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक और मेथी दाना ऐड करा है। बस कढ़ी का घोल बन गया, अब इसे गैस पर पकाऊंगी जब तक इसमें एक उबाला नहीं आ जाता है। और धीरे धीरे कढ़ी हमारी बनेगी, तब तक मैं यहाँ पर पकौड़ों की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं पंजाबी कढ़ी बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर लहसुन प्याज का भी यूज़ किया है। तो बस पकौड़ों को बनाने के लिए भी मैंने लाल मिर्च, नमक, धनिया, हल्दी ये सब ऐड कर दिया है, और साथ ही थोड़ा सा हरी मिर्च और प्याज ऐड करूँगी।
इसके साथ यहाँ पर मैंने थोड़ी सी सौंफ ऐड करी है और इस पकौड़े के घोल को बनाने के लिए मैंने दही का यूज़ किया है, जिससे पकौड़े बहुत ही नरम और अच्छे बनेंगे। और एंड में थोड़ा सा पानी डालकर एक मीडियम थिक कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार कर लेंगे। आप इसमें प्याज और मिर्ची नहीं ऐड करना चाहते हैं तो सेम मेथड से प्लेन पकौड़े भी बनाए जा सकते हैं। उसमें आप थोड़ा सा अजवाइन ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा हींग ऐड कर सकते हैं। और आज मैं पकौड़ों को हफे पैन में बनाने वाली हूँ और इससे बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि आपने पकौड़ों को फ्राई नहीं किया है, और बहुत ही टेस्टी पकौड़े बनते हैं इस हफे पैन में भी। तो जब तक हफे पैन यहाँ पर गर्म हो रहा है, मैं पकौड़े के बैटर को और ज़्यादा फेंट रही हूँ, जिससे पकौड़े बहुत ही नर और क्रिस्पी बनेंगे। और अब इस अपम पैन में मैंने एक एक ड्रॉप ऑयल डाल दिया है और साथ ही मैं डाल रही हूँ पकौड़े का बैटर। बस अब इसे ढककर रख देते हैं और इसे बीच बीच में चेक करते रहेंगे। और साथ ही यहाँ पर कढ़ी भी बन रही है तो मैं उसे भी बीच बीच में चला रही हूँ। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि पकौड़े का कलर कितना अच्छा आया है और एक तरफ से पकौड़े सिक गए हैं। अब इसे पलट देंगे और फिर से इसे ढककर रखेंगे जब तक कि ये दूसरी साइड से भी अच्छे से ना सिक जाए। और साथ ही मैंने यहाँ राइस भी बनने के लिए रख दिया है, जब तक कढ़ी बन रही है चावल भी बनकर तैयार हो जाएंगे। और पकौड़े दोनों तरफ से अच्छे से सिक गए हैं तो मैं उन्हें अलग से एक प्लेट में निकाल रही हूँ। और ये पकौड़े इतने ज़्यादा टेस्टी थे कि कुछ पकौड़े हमने ऐसे ही खा लिए। और इसी तरह मैं बाकी के बैटर से जो भी बैटर बचा है उसके भी पकौड़े बना रही हूँ। तो मैं पहले कड़ी पत्ता डालना भूल गई थी, तो मैंने अभी कड़ी पत्ता और धनिया भी ऐड कर दिया है। और लास्ट में बस यहाँ पर कढ़ी को तड़का देने के लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल रखा है और उसमें हींग, जीरा और राई ऐड कर दी है, और साथ ही थोड़ा सा अदरक और लहसुन को भी ऐड करा है। और जब थोड़ा अदरक लहसुन फ्राई हो जाएगा तो मैं इसमें ये लाल मिर्च ऐड कर दूँगी, नहीं तो लाल मिर्च बहुत ही जल्दी जल जाती है। बस तड़का भी अच्छे से फ्राई हो गया है देंगे और इसे कढ़ी में मिला देंगे। और जैसे ही तड़का ऐड करेंगे हम कढ़ी को कवर कर लेंगे, जिससे उसमें एक अच्छा फ्लेवर बना रहेगा। तो बस यहाँ पर हमारी बहुत ही टेस्टी कढ़ी बनकर तैयार है। और ये रहा आज का हमारा डिनर। और ऊपर से यहाँ चावल में मैं थोड़ा सा घी ऐड कर रही हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।